नकली नोट तस्कर सुधीर कुशवाहा के पास से 1,54,000 के जाली नोट, एक अपाची गाड़ी पुलिस ने किया बरामद। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। आपको बताएं, जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर और मोतिहारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पूर्वी चंपारण जिला के रहने वाले सुधीर कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है, जो राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA का वांछित है और देश में नकली नोट की तस्करी में संलिप्त था। वो पुलिस के रडार पर मुजफ्फर पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्वी चंपारण जिला के हरपुर घोड़ा सहन मोतिहारी के सुधीर कुशवाहा मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। पुलिस की टीम लगातार उस पर नजर रख रही थी। मुजफ्फरपुर उतरने के बाद पुलिस पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुशवाहा नेपाल के वीरगंज में अपने ठिकाने से अपना रैकेट चला रहा था। NIA की टीम को भी नोट तस्कर सुधीर कुशवाहा की तलाश थी। NIA ने वर्ष 2015 में सुधीर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नकली नोटों के केसेस में फरार सुधीर कुशवाहा, जो कि NIA के द्वारा भी रिवाड़ी है, उस बारे में पुलिस को सूचना मिली कि ये अपने मोतिहारी बॉर्डर से ये मुजफ्फरपुर की ओर आ रहा है। इस मामले में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के पश्चात मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर के टीम के द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया गया है, जिसमें SHO टाउन मुजफ्फरपुर, DSP टाउन और मोतिहारी पुलिस के द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा इसको यहां पर अरेस्ट किया गया। और जब इससे आगे की पूछताछ की गई तो इसने अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इससे आगे का बाकी इंट्रोगेशन जारी है। कब से ये कार में लगने संलिप्त है? अभी तक के जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, इस व्यक्ति के खिलाफ जो है, ये पहले भी जो है 2008 में मोतिहारी में नकली नोटों के केसेस में जेल जा चुका है। इसके बाद में केसेस के इन्वेस्टिगेशन NIO को दिया गया था और उसमें जो है ये उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद में ये इसी तरीके के काम में लगा रहा और जिसके बाद में पुलिस ने इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया है और इसके बाद में इसको रिमांड किया जाएगा। नेपाल से भी तार है परिचय? नेपाल से जो इससे पूछताछ की गई है, इसका कहना है कि ये नेपाल लगातार आता जाता रहता था। वहाँ पर इसने एक अपना कोयले का काम भी शुरू किया था और जिसकी आड़ में ये नकली नोटों का काम करता था। इससे डिफरेंट एजेंसीज द्वारा पूछताछ भी की गई है और उससे आगे निकलने वाले जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इनका नेटवर्क सर कहाँ तक चला? अभी तक के जो हम लोगों ने पूछताछ की है, ये नकली नोटों के जो खेप जो आती है, लगातार पुलिस मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में कई बार पकड़ा गया है, उस मामले में इससे पूछताछ की जा रही है और जो हमारे बैकवर्ड लिंकेजेस के इन्फॉर्मेशन थे उसके लिए एक अहम सूत्र बन सकता है। अभी मतलब कितनी नकली नोट कितना बरामद हुआ है? अभी तक के जो हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है, इसमें जो है लगभग ये 1,50,000 के आसपास के नकली नोटों के बारे में ये बता रहा है। और ये जो हमने पूछताछ की है, इसमें ये फिर से अपने जो नेटवर्क हो उसको एक्टिवेट करने के लिए कर रहा था इससे। और जो बाकी पूछताछ की गई है उसमें अहम बात यह है कि जो अभी हाल में जो नकली नोट आए हैं उस मामले में इसने में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। ये NIA के हवाले किया जाएगा फिर इसको? जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahi.com। नालंदा विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। दिस स्कूल इज एफिलिएटेड फ्रॉम CBSE।